चंदा बस ए ही दीजो अगले जन्म अगले शेखर हमरे भाई ये देख ना पिछले 2 घंटा से ही मैं झक मरा रहे हैं हमको ये इंजन पानी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू तो ताब है हैं? ये सब ठीक करने का जब देखना शेखर चल हट अपना काम खुद कर ले ये ललिया का ताका झाकी कर रही हो यहां पे हमको मालूम है तुमको माधव से मिलना है अपने यहां जाओ वहां जाके मिलो वो भी तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूं जाओ 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 मिल लो हम शेखर को लेके आते हैं बड़ा आ गया सुवनिया आज हमारा माधव पटाखा दे के बहुत खुश होगा माधव देखिए सो के उठ के आए बहुत खुश होगा माधव हमारा से यहाँ के देख इकारा है तेरा दद्दू तेरे लिए और एक बार उठने दो उसे सुमनिया सारा पटाखा उखरी गोद में रख दूंगा सो रहा है हमको मालूम है तुमको माधव से मिलना है अपने यहाँ जाओ वहां जाके मिलो वो भी तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूं हमारा पुतवा जो है हमारा शेर बम चलाएगा बम हमारा शेर बाबा बम धमाका होगा बम कहीं को चूक नहीं होनी चाहिए रणबीर ऐसा स्वागत करो कि बस माधव माधव तुम झूठ बोल रहे We'll be right back.
हर हर महादेव। एक और कार्य संपन्न हुआ विधि अनुसार। झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज, अरे गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत रे। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। अरे आओ खुशी के मीत रे, आओ खुशी के। हम जानता था रणविजया ठाकुर लोहा सिंह का पुतवा, ये छुटपुट कार है, चुटकी बजा के कर देगा और कर दिया। हम बहुत खुश हूं। और ये सांप सूख गया क्या आपको? ये ललिया को जिंदा देख के परेशान हो गए? सोचे नहीं थे का? जुबान कैसे अटक गई आपके हलक में? अभय अभय तो नाच रहे थे, रुकाए गए, नाची ना नाची। अब भूल कहाँ जाते? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम बताते आपको कैसे बच गई हमरी लाली। लाली! काहे घबरा रही आप इतना? हमको लग रहा है एक अंदर कुछ है। साहब दुश्मनी की भी हद होती है, आपने तो वो भी पार कर दी। शर्म आती करते हुए भी हम आपकी बीवी हैं। दिन रात माधो माधो करके चिल्लाते रहते, ये ललिया ओकरी माई है, याद नहीं आता आपको? इसे मारने चले थे? शर्म आती है कि आज बहू बेटे सबके सामने आपसे इतना बात करना पड़ता।
तक तो सुई धागा से सिल के रखे थे अपनी जुबान, पर आज भी चुप रहे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। अब हम देखते हैं, अब हमार बबुआ हमार बहू को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। हवेली की ठकुराइन होने के नाते आज हम ये घोषणा करते हैं कि आज से अब भाई इसी वक्त से बबुआ और लाली हवेली में रहेंगे। हमारी आंखों के सामने बाद भी आपके दिमाग में कोनो खुराफाती चल रहा हो तो उसका इंतजाम भी हम कर देते हैं। आज से अभय इसे बकत से हमारे बबुआ और लाली ई हवेली में रहेंगे, और एकरे बाद भी आपके दिमाग में कोनो खुराफात चल रहा है तो उसका इंतजाम भी हम कर देते हैं। पुलिस स्टेशन हम सुमित्रा देवी बोल रहे हैं, ठाकुर लोहा सिंह जी की हवेली से, उनकी धर्मपत्नी। हम लोहा सिंह जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। वो हमरे बहू को मार देना चाहते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा कि आज के बाद हमरी बहू ललिया को अगर कुछ हो भी नुकसान हुआ तो ओकरे जिम्मेदार ठाकुर लोहा सिंह जी होंगे। आपको अगर ऐसा कोनो भी खबर मिले तो फौरन लोहा सिंह जी को गिरफ्तार कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा लोहा सिंह जी, पर यह केस बड़ा नाजुक है। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। मैं आपको सावधान करने आया, अगर लाली को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो आपको गिरफ्तार होने से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो भी कुछ करें बहुत ही सोच समझ कर करें।
इतिहास में नाम लिखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई और बबुआ मैया। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्यम। कितना सच कहा है जिसने भी कहा। हमारी बबुआ मैया एक दिन के लिए लोहा सिंह बन गई, हमको अच्छा नहीं लगा। काहे से कि लोहा सिंह का हवेलिया मां औरतन को फैसला करने का कौनो हक नहीं है। पंडित बा के सामने फेरा लिया साथ और हर फेरत कसम खाया, जैसा भी होगा हमारा पति है, हमारा देवता है, हम एकरा साथ दूंगी मरने तक। हमको गिरफ्तार करवाएगी तू, अच्छा नहीं किया। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप इतना बड़ा गलती कर दिया जिकरी कौनो भरपाई नहीं है। गलती तो हम अब तक कर रहे थे, आज से अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सही कहा आपने, प्रिया चरित्र समझना आपके बस की बात नहीं है। कि जब एक औरत अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उनके अंदर माँ दुर्गा, चंडी और काली का रूप समा जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी बहुत सही कहा। अभय भी वक्त है ठाकुर साहब, अपनी बुद्धि को सही कर लीजिए, नहीं तो आपका विनाश कौन रोक नहीं सकता। लाली को मारना चाहते हैं ना? अब हम भी देखते हैं कौन ललिया के ऊपर हाथ उठाने का कोशिश करता है। आज के बाद हम लाली के सामने खड़े रहेंगे ढाल बनकर। जब तक हम जिंदा हैं, कोई लाली का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। को कहते हैं जैसे को तैसा। बीज बोएंगे नफरत का, फसल कैसे काटेंगे प्रेम का। तो लोहा सिंह की हवेलिया आज महाभारत का रणभूमि का मैदान बना दिया, तो पाला बना दिया, यूं काट दिया। ये तो वक्त बताएगा कि कौरव कौन, पांडव कौन।